बाहुबली और ट्रिपल आर के डायरेक्टर एसएस राजामौली के पिताजी डॉक्टर के वी विजन प्रसाद का बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने आरएसएस के बारे में कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा, मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूं। 3-4 साल पहले तक मैं आरएसएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मुझे लगता था कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला, लेकिन जब मुझे आरएसएस पर एक फिल्म लिखने को कहा गया, तब मैं नागपुर गया और मोहन भागवत से मिला और मैं वहां एक दिन रुका और पहली बार समझा कि आरएसएस क्या है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा, अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता या पाकिस्तान में विलय हो जाता और पाकिस्तान की वजह से लाखों हिंदू मारे जाते। तो देख लीजिए, आरएसएस पर वेब सीरीज लिख रहे एसएस राजामौली के पिताजी ने आरएसएस के बारे में कुछ ऐसा कहा। तो आप देख लीजिए, आरएसएस के बारे में एसएस राजामौली के पिताजी के वी विजय प्रसाद, जिन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिन्होंने इतने अनुभवी व्यक्ति हैं जो देश दुनिया के बारे में इतने सारे जानकारी रखते हैं, उन्हें तक पता नहीं था। देख लीजिए, आज के समय में इतने बड़े पर्सनालिटी है जिनसे पूरे साउथ इंडियन से लेकर पूरा नॉर्थ इंडियन, मतलब पूरा भारतवर्ष में जहाँ एसएस राजामौली के पिताजी को बेस्ट स्टोरी टेलर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर बोला जाता है, क्योंकि इनके जो कहानियाँ हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का बोलबाला है, क्योंकि जितना रोल एसएस राजामौली के बाहुबली और ट्रिपल आर जैसे मूवीज़ में है, उतना ही रोल के वी विजय प्रसाद साथ कहे, क्योंकि उन्होंने ट्रिपल आर और बाहुबली जैसे मूवीज़ की कहानी लिखी है और एसएस राजामौली अपने पिताजी की कहानी पर इतना ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। और इसके अलावा सलमान खान के हाईएस्ट ग्रॉसर बजरंगी भाईजान, इसकी कहानी तक के वी विजय प्रसाद ने लिखी, और के वी विजय प्रसाद को आरएसएस की स्टोरी लिखने के लिए, जो वेब सीरीज आ रही है आरएसएस पर, उसकी स्टोरी लिखने के लिए कहा गया। तब उन्होंने यह कहा कि जब आरएसएस के बारे में मैं नहीं जानता था, वो केवल इतना जानते थे कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला, क्योंकि आप अगर नहीं जानते तो बता दें कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य ही थे और नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की हत्या क्यों गई, इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, आप देख लीजिए, के वी विजय प्रसाद जैसे पर्सनालिटी आरएसएस के बारे में नहीं जानते हैं, सोच सकते हैं आप, जबकि उन्होंने खुद कहा है कि अगर आरएसएस नहीं होता तो देश टूट चुका होता, कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो चुका होता और हिंदुओं का क्या हाल होता। इसीलिए आरएसएस को उग्र राष्ट्रवादी संगठन, फासिस्ट कह दिया जाता है बहुत सारे लिबरल्स के द्वारा, क्योंकि जो राष्ट्रभाव की भावना आरएसएस के मेंबर्स में भरी जाती है, जिसी कारण से देश का विकास हुआ और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के मेंबर रहे हैं। पहले के वी विजय प्रसाद जी का एक और बयान आया था कि उन्होंने ट्रिपल आर मूवी के लास्ट सॉन्ग में गांधी और नेहरू को क्यों नहीं दिखाया था, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा।